सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस में गुरुदेव रियल एस्टेट पे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक नई अपडेट निकल कर आ रही है अथॉरिटी से, जिसे हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। अपडेट जैसे कि आपको पता है कि प्राधिकरण पर डे कुछ ना कुछ नई अनाउंसमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट को प्लान कर रही है पूरे येड़ा क्षेत्र में, या फिर कोई नई स्कीम या कोई नई चीज़ है जहाँ पे आपको पर डे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। उसी लिस्ट में ये भी वीडियो आप ऐड कर सकते हैं कि प्राधिकरण एक नई प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही है, जिसकी अपडेट उन्होंने आगे जो है भेजी है, उस पर हम ये पूरी वीडियो बनाकर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको एक नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिलेंगी, जिसमें आपका आता है यमुना सिटी के 300 एकड़ में बनेगा हैबिटेट और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, साथ ही सेक्टर 9 में 75 एकड़ में बनेगी पार्किंग। तो ये तीन नई प्लानिंग है जो प्राधिकरण लेकर आई है, इस पर क्या पूरी डिटेल है एक बार देख लेते हैं। यमुना सिटी के 300 एकड़ में बनेगा हैबिटेट और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, पार्किंग के साथ काफ़ी हाउस की भी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर 9 में हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और कॉफ़ी हाउस की पार्किंग बनेगी, कॉफ़ी हाउस और पार्किंग बनेगी। करीब 300 एकड़ में हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के साथ कॉफ़ी हाउस भी बनेगा। इसके अलावा सेक्टर 9 में 75 एकड़ में पूरी इसकी पार्किंग बनाई जाएगी। सेक्टर 9 किस तरीके से डेवलप किया जाएगा एक बारी वो देख लेते हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी ने बताया कि सेक्टर 9 में विकास की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, साथ ही सेक्टर 9 में 300 एकड़ में हैबिटेट और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेगा। इनके साथ कॉफ़ी हाउस भी बनाया जाएगा जहाँ पर तमाम तरीके की सुविधा होंगी। इसके अलावा 75 एकड़ में पार्किंग जोन बनाएंगे, साथ ही जल्द जेवर एयरपोर्ट से उड़ेंगे हवाई जहाज। CEO ने बताया कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है, बहुत जल्द जेवर एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। जिस दिन जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा उस दिन सैकड़ों कंपनियां खुलेंगी जेवर क्षेत्र में, जो आपके सेक्टर्स हैं उनमें। तो इस तरह से पूरी डिटेल्स और अपडेट निकल कर आ रही थी। आपको बताते चले कि अभी कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं एक्टिव होकर प्राधिकरण काम कर रही है। वैसे तो एक्टिव होकर हमेशा ही काम करती थी, इस टाइम पे कुछ ज़्यादा एक्टिव मोड में है। पर डे कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट करते हैं, जो CEO हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें पर डे कुछ नया अनाउंस करते हैं जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप इस एरिया के हर एक अपडेट से वाकिफ हो, अवेयर रहो कि क्या हो रहा है, किस हिसाब से प्लानिंग की जा रही, किस क्षेत्र में क्या क्या विकास करने की बात चल रही है। हर एक चीज़ जो हमारे तक पहुंच के आती है हम कोशिश करते हैं कि उसे आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको हर एक चीज़ की मालूमात रहे आज के टाइम की क्या सिचुएशन है। बेसिकली अभी क्या है कि प्राधिकरण बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है, बहुत तेज़ी से नए नए प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रही है, जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो सकती है उस पूरे क्षेत्र में उस पर काम कर रही है, उसको एनालिसिस कर रही है, देन उस पर वर्क कर रही है। जो वहाँ की नीड होने वाली हो सकती है आने वाले समय की, जो रिक्वायरमेंट होने हो सकती है उस पर काम कर रही है और उसको उस पर शुरुआत कर रही है। बेसिकली इनिशियल लेवल पे वहाँ पे एक्शन ले रही है, क्या प्लानिंग हो सकती है, कितना एरिया यूज़ होगा, क्या बजट होना चाहिए उस एरिया को, उस प्रोजेक्ट को बेसिकली जो दिया जाएगा। तो हर एक तरह से प्लानिंग की जा रही है और आने वाले समय का विकास, फ्यूचर सब कुछ यहीं पर है। डेवलपमेंट आपको दिख रहा है किस हिसाब से हो रहा है, रोज नई प्लानिंग आपके सामने आ रही है। कहने का मतलब ये है बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आज के टाइम पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे 2-4-5 साल के अंदर आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपने उस इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं पूरे यमुना एक्सप्रेस वे पे, कहीं पे भी अगर आपकी कोई भी प्लानिंग हो रही है इन्वेस्टमेंट की या फिर ग्रेटर नोएडा के अंदर, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हमारे ऑफिस का ये नाम है, हमारी जो कंपनी है ये उसका नाम है। साथ ही ये तीन कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मेंशन है, आप तीनों पे किसी भी नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमारा ऑफिस एड्रेस मेंशन है यहाँ पे, आप हमारे ऑफिस एड्रेस को फॉलो करके आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। ऑफिस आके भी आपकी जो भी क्वेरी होती है आप उसे यहाँ पे, जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पर भी ज़रूर से आप जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी करिए, ताकि हर एक लोगों को इस लोकेशन की अपडेट मिल सके। बाकी इस तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।